इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। जमीयत उलमाए दिल्ली स्टेट की वर्किंग कमेटी के एक विशेष बैठक शास्त्री पार्क में मौजूद मदरसा अल जमीयतुल इस्लामिया वलाए दारान में की गई। जमीयत के दिल्ली स्टेट अध्यक्ष मौलाना आबिद काजमी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कट्टरपंथियों द्वारा मदरसों के प्रति दुष्प्रचार, सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में बदलाव की कोशिश और मुसलमानों पर बढ़ते सामाजिक अत्याचार पर गठन चर्चा की गई। आज जो जमीयत उलमा सुबह दिल्ली की मजलिस आमला का ये इजलास था, इसमें अक्सर अहम रुकन आए, मदुए खुसूसी आए और ज़िली सुदूर और नुजामा भी आए। इसका असल मौजू ये था कि मदारिस इस्लामिया जो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है और तालीम जो है ये मुसलमानों का जेवर है। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम का सबक न पढ़ाया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों को सबक पढ़ाया गया और सबसे पहला मदरसा अल्लाह तबारक व तआला ने गारे हीरा में कायम किया। और जिन मदरसों के खिलाफ आज फिरका परस्त ताकतें ये जोर सर्फ कर रही हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं कि इन ये मदरसे मदरसे नहीं बल्कि ये तो एक क्या लफ्ज अदा करूं, वो लफ्ज भी मेरे पास नहीं है। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि ये मदारिस इस मुल्क के लिए नामत उज़्मा है और नामत उज़्मा के साथ साथ मैं ये कहता हूं अगर ये मदारिस ना होते तो ये मुल्क आज़ाद ना होता। मुल्क के तई मदारिस इस्लामिया का जो किरदार रहा, उलमा का जो किरदार रहा, वो फरामोश नहीं किया जा सकता। चे जाए कि इनकी तारीख को भुला दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन उन गर्दनों को जो लाल किले से लेके और जामा मस्जिद तक के दरख्त थे, जो गर्दनें वहाँ लटकी हुई थी, उन्हें कौन भुला सकता है और कौन फरामोश कर सकता है। आज भी आप जाकर के देखेंगे इंडिया गेट पर मुसलमानों के जो नाम जस्पा हैं, जो लिखे हुए हैं, कौन उनको फरामोश कर सकता है। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से फैसला ये हुआ है कि अवाम के अंदर बेदारी पैदा की जाएगी और वक्फ बोर्ड को बताया जाएगा वक्फ बोर्ड तुम्हारे आबा व अजदाद का बोर्ड है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और इसके ताल्लुक से हमने ये भी इरादा किया है कि बहुत जल्द हम एक कॉन्फ्रेंस वक्त बचाओ कॉन्फ्रेंस हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे।